जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि मोरो ने अर्थ पर हमला बोल दिया था। गोहान, पिकलो और 1718 बाकी के सभी वॉरियर्स इस बैटल को लड़ रहे थे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज इस वाले वीडियो हम मोरो आर्क के सभी चैप्टर्स को क्लियर करने वाले हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं क्रिलिन और सकाम्बोस की फाइट होती है और उसी के साथ साथ मास्टर ओसी भी फाइट को लड़ रहे थे, वो भी गर्ल्स के साथ। अब जहाँ पर लड़कियां होंगी मास्टर ओसी भी तो वहां पर होंगे ना। क्रिलिन ने सकाम्बोस को हरा दिया था, अब वो मास्टर ओसी के साथ फाइट को ज्वाइन करता है जहाँ पर वापस से मास्टर ओसी ने तीन लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ के छेड़ दिया था। भाई ये ठरकी बुड्ढा है। टेंटेन भी यूनिवर्स 6 के मेटल मैन से फाइट करता है। हाँ ये वही है जिसे हमने पावर ऑफ टूर्नामेंट में देखा था। टेंटेन भी उसे हराने में सक्सेसफुल रहा उसके इंसर्टी करके। अब मेटल मैन की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि उसकी कोई बेइज्जती करे तो वो हार जाएगा। अब मास्टर ओसी अपने आंखों और पट्टी बांध के उन तीनों लड़कियों से अकेले ही फाइट करता है। अब जब ये तीनों मास्टर ओसी को नहीं हरा पा रही थी तब इन्होंने एक दूसरे के साथ फ्यूजन किया और क्लीन मास्टर ओसी को उठा उठा के पटक रहे थे। इसके बाद हम 17 और 18 को देखते हैं जिन्होंने ओजी 73 को हरा दिया था। अब पीछे से मोरो ने इस बैटल को ज्वाइन किया, उसने ओजी 73 को उठा के साइड में फेंक दिया और बोलता है कि आई टोल्ड यू कि मेरी पावर तुम यूज मत करना। मोरो उस बैटल को ज्वाइन करने ही जा रहा था पर उतने में हम देखते हैं कि सकाम्बोस का जो मेन मेंबर था वो बोलता है कि लॉर्ड मोरो प्लीज आप मुझे इस बैटल को ज्वाइन करने दे, आखिर गुलाम हूँ आपका, प्लीज मुझे सेवा करने का एक मौका दे। मोरो उसे इस बैटल को ज्वाइन करने देता और साथ में बोनस के तौर पे अपने कुछ पावर्स भी उसे देता है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसने अपने एक ही पन से 1718 और गोहान पिकलो जैको को भी पीछे ढकेल लेता है, इतनी ज्यादा पावर बढ़ जाती है उसकी। उसने गोहान और 17 को सर को पकड़ा और उसे वहीं जमीन पर उठा के पटक देता है, मानो कि ये दोनों उसके लिए एक फुटबॉल थे। हम क्रिलिन और मास्टर ओशी को देखते हैं जहां पर वो लोग खुद को बचा रहे थे। गोकू इनकी एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट हो रही थी। फिर उसने देखा कि क्रिलिन ने अपनी पावर्स को इंक्रीज किया था और गोकू उसके पास खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। एंड सच में गाइस, गोकू ने अपने एक ही पंच से उस जायंट वुमन के फ्यूजन को हरा देता है। क्रिलिन बहुत ज्यादा खुश होता है गोकू को देखने के बाद। उसने गोकू से पूछा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही और क्या तुम मोरो को हरा पाओगे। उसने कहा कि डेफिनेटली, और मैं इसके लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। गोकू की एक्साइटमेंट कभी खत्म ही नहीं होती है भले उसका अपोनेंट कोई गॉड ही क्यों ना हो। अब उसने खुद को 10 के पास टेलीपोर्ट किया जहाँ पर लोग जिस क्रिमिनल से लड़ रहे थे वो लोग उसे नहीं हरा पा रहे थे पर गोकू ने अपने सिर्फ एक पंच से उसे हरा दिया था एंड उसका गू निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गोहान और बाकी के लोग सकाम्बोस के लीडर को मिलकर नहीं हरा पा रहे थे, इनकी हालत अब पतली हो चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि सकाम्बोस को कोई हिट किया जा रहा था पर वो कौन था दिखाई नहीं दे रहा था, पर गोहान ने उसकी एनर्जी को महसूस कर लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि सन गोकू था। गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कोई भी उसे देख ही नहीं पा रहा था। उसने सकाम्बोस को अब घुटने पर ला दिया था पर वो वापस से गोकू से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है और गोकू ने फिर से उसे टेक डाउन कर दिया था। गोकू को लगता है कि वो अब हार गया है पर नहीं, वो वापस से खड़ा हो जाता है। अब मोरो ने उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स को इनहेरिट कर दिया था जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब मोरो और गोकू आमने सामने थे। मोरो ने गोकू को उसके ट्रू पावर को रिलीज करने के लिए बोला। गोकू ने बिना किसी प्रॉब्लम के खुद को तुरंत ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। गोहान और बाकी के लोग हैरान थे कि गोकू ने आखिर इसे सेल्फ मास्टर कब किया। मोरो इस एबिलिटी को देखने के बाद बोलता है कि ये कोई मोर्टल एबिलिटी तो नहीं है, जिस पे गोकू बोलता है कि ऑब्वियसली ये गॉड की पावर है, द साइन ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। पीछे से पिकलो और गोहान कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे कि गोहान ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने आप ही एक्टिवेट कर लिया। अब मोरो और गोकू की फाइट स्टार्ट होती है। गोकू मोरो के ऊपर कंटिन्यू अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर मोरो को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पर उसने अपने मैजिक से गोकू के हाथ पैर को फ्रीज कर लिया था। लेकिन गोकू कुछ ही सेकंड्स में खुद को रिलीज कर लेता है। मोरो की मैजिक में से ये एक छोटी सी टेक्निक थी, ऐसे और भी कारनामे आते हैं इस दल्ले को। गोकू ने अपने कामे हाथ से मोरो पर अटैक करता है और मोरो खुद को बचाने के लिए एक इल्यूजन को क्रिएट करता है जैसे कि उसने पहले किया था, पर गोकू इस बार पकड़ लेता है। उसने इस इल्यूजन को इग्नोर करके रियल मोरो पर अटैक करता है। मोरो ही बोलता है कि तुम पहले से कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। 17 और 18 को लग रहा था कि गोकू अब जीत ही जाएगा पर पिकलो को डर था कि मोरो अभी भी अपनी ट्रू पावर को छुपा रहा है, जबकि ये सच था, मोरो अपनी ट्रू पावर्स को अभी भी छुपा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पंचेस से मारे जा रहे थे। एट लास्ट मोरो वापस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है पर गोकू उसकी इस टेक्निक को ब्रेक कर देता है। मोरो की एनर्जी एब्जॉर्प्शन से बचने के लिए
खुद की मूवमेंट को बहुत ज्यादा फास्ट करना होता है, तब जाके तुम इस टेक्निक को मैनिपुलेट कर सकते हो। एंड सच बताऊं तो मीरा से ट्रेनिंग लेने के बाद गोकू स्पीड अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब मोरो गोकू के एनर्जी को तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, पर वो अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था ना। हम देखते हैं उसने अर्थ की एनर्जी से गोकू के ऊपर हमला किया, जैसा कि उसने प्लेनेट नेमेक पर वेजिटा के ऊपर किया था। गोकू का ध्यान थोड़ा सा हट जाता है, जिसका एडवांटेज था कि मोरो गोकू पीछे से पकड़ लेता है और उसकी उस डिवाइन एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब गोकू वापस से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। इसी बीच में हमें वीस को दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है गोकू ने अभी तक अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर नहीं किया है, उसने तो सिर्फ उसके साइन को एक्सेस किया है। नाउ हम देखते हैं गोकू ने वापस से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म को लिया और खुद से बोलता है कि हे मीरस, बैटल के बीच में स्टैमिना को बैलेंस करना ये मेरा स्टाइल नहीं है, जबकि मीरस ने गोकू को समझाया था। अब मोरो और गोकू अपने फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हैं। सच बताओ तो गोकू मोरो के साथ साथ उनके और भी एक दूसरे को टैकल कर रहे थे। गाइस ये मोमेंट सबसे मजेदार था, दोनों की फाइट कमाल की थी। कभी गोकू मोरो को लात घूंसे से मारता तो कभी मोरो गोकू को धोबी पछाड़ देता। मीरस को डर था कि अगर गोकू अपने पीक पर रह के इस फॉर्म में फाइट करेगा तो डेफिनेटली इस बैटल को जीत नहीं पाएगा। वीस बोलता है कि अगर गोकू ने तुम्हारे एडवाइस को मान लिया और अपने स्टेमिना को रिजर्व करके उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन को मेंटेन किया तो शायद से मोरो को अच्छी खासी टक्कर देगा। हम देखते हैं कि गोकू अब लगभग थक चुका था। वीस मीरस से पूछता है कि मोरो ने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर चुका है, जिसके रिप्लाई में मीरस बोलता है कि मे बी उसने अपनी सारी पावर्स को यूज कर लिया हो। एक बात तो हम भी जानते हैं कि सैयन बैटल के बाद अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, खास करके गोकू और वेजिटा। अब हम वेजिटा को देखते हैं, जहां पर उसने स्प्लिट टेक्निक को मास्टर कर लिया था। अब वो अर्थ पर जाने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो चुका था, पर वेजिटा के लिए एक बैड न्यूज थी। पाइबारा उसे अर्थ पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, बिकॉज वो सिर्फ गोकू की एनर्जी को ही सेंस कर सकता था। एंड गोकू इस टाइम पर अपने गॉड के फॉर्म में था, जिसकी वजह से पाइबारा उसकी एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा था। जब तक गोकू अपने गॉड के फॉर्म में रहेगा, एक गॉड ही उसकी एनर्जी को सेंस कर सकता है। अब वेजिटा भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को सीखता है। अगर वो एरिको की स्पेसशिप से गया तो उसको 10 दिन लग जाएंगे अर्थ पर जाने के लिए, और वेजिटा के पास इतना टाइम नहीं था। एट लास्ट कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को सीखने की कोशिश करता है। अब मोरो गोकू के ऊपर भारी पड़ रहा था, उसने लगभग अपनी सारी पावर्स को यूज कर लिया था। मीरस इसे देख के बहुत ज्यादा दुखी था, वो इस बैटल को हैंडल करने की कोशिश करता है, पर वीस उसे मना कर देता है। उसने कहा कि इन सभी सिचुएशन को सिर्फ बीरस जैसे और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जैसे गॉड ही हैंडल कर सकते हैं, हम एंजल्स नहीं। गोकू को बचाने के लिए 17 और 18 ने भी इस बैटल को ज्वाइन किया, पर वो मोरो को टच भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, जो टेलीपोर्टेशन को लगभग सीख चुका था, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आई मीन कि वेजिटा अपने पाथ को डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। खैर हम देखते हैं कि एल्डर पाइबारा ने गोकू के एनर्जी को सेंस कर लिया था, क्योंकि वो अब अपने बेस फॉर्म में आ चुका था। टाइम को बिना वेस्ट के वेजिटा ने खुद को गोकू के पास टेलीपोर्ट करता है। नाउ वेजिटा गोकू के जस्ट सामने ही समन होता है। एंड सच बताऊं तो ये मोमेंट काफी कमाल का था। वेजिटा को देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। गोकू वेजिटा से पूछता है कि क्या तुमने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को यूज किया है, जिसके रिप्लाई में वेजिटा बोलता है कि हे गोकू टेंशन मत लो, आई नो कि ये मूव तुम्हारा एक सिग्नेचर मूव है, एंड वैसे भी मैं इस टेक्निक को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ, एंड मेरे पास कुछ स्पेशल मूव है जो मैंने उसे मास्टर किया है। अब वेजिटा इस बैटल को ज्वाइन करता है और तुरंत ही अपने ब्लू फॉर्म को एक्सेस करता है। वेजिटा अपने ब्लू फॉर्म में आने के तुरंत बाद ही मोरो को एक जोरदार घूंसा मारता है, पर मोरो वेजिटा को उठा के जमीन में ही गाड़ देता है। वेजिटा अगेन फाइट के लिए स्टैंड करता है और मोरो को हिट करना शुरू करता है। अभी तो जस्ट फाइट स्टार्ट ही हुई है। वेजिटा जितनी बार मोरो को हिट करता, उसके पास से वो सभी एनर्जी रिवर्स हो जाती थी जो उसने एब्जॉर्ब किया था। आई मीन कि वो एनर्जी उन लोगों को रिटर्न हो जाती थी जिनसे मोरो ने एब्जॉर्ब किया था, और इस टेक्निक का नाम फोर स्प्रिट फ्यूजन था। वेजिटा ने उन सभी को उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट रिटर्न कर दी थी। इसका ने भी ये महसूस कर लिया था कि प्लेनेट नेमेक पर जितने भी लोग मरे थे उनमें से बहुत से लोग अब जिंदा हो रहे हैं। अब मोरो इस बैटल को हारने ही वाला था, पर उसके पास अभी भी एक हुक्म का इक्का बाकी था। वेजिटा जैसे उसे खत्म करने वाला था, हम देखते हैं कि उसने वेजिटा का ध्यान भटका है और वहां से अपने स्पेसशिप में चला जाता है। मोरो ने शिमोरोका की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो वहीं मर जाता है, और OG-73 को पूरा का पूरा निगल जाता है, जिससे मोरो अब पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उसने OG-73 को एज अ बैकअप के लिए छुपा के जिंदा रखा था। मोरो ने अपने एक पंच से वेजिटा को टेक डाउन कर दिया था। अब मोरो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वीआरनो की OG-73 के पास पिकलो, गुहान और खुद की भी एबिलिटी थी। वेल जब मोरो उसे एब्जॉर्ब करता है, तब उसके पास इन सब की पावर्स आ जाती है। पर बैड न्यूज ये था कि मोरो इन सब की एबिलिटीज को एक साथ यूज कर सकता था और टाइम लिमिट जैसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। वेजिटा जैसे मोरो के ऊपर अटैक करता है, मोरो उसे डॉज करके उसकी एबिलिटी को भी कॉपी कर लेता है। अब वेजिटा इस बैटल को पूरी तरह से हार चुका था। पिकलो, गुहान और गोकू इस बैटल को वापस से ज्वाइन करते हैं, पर इस बार मोरो का वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाते हैं। इस फाइट के बीच में कुछ ऐसा भी होता है जो
इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गोकू अपने कामे हाथ से मोरो के एक हाथ को पूरी तरह से उड़ा देता है। अब जैसे कि हम सबको पता है कि मोरो के पास पिकलो की भी एबिलिटी थी, तो अपने हाथ को हील करते हुए गोकू की छाती को चीर देता है। अपना पूरा हाथ उसने गोकू के आर पार कर दिया था। ऑलमोस्ट ही इज डेड। पिकलो और गोहान की भी हालत अब खराब हो जाती है। गोकू को हील करने के लिए डेंडे वहां पर आता है। अपने टेलीपैथी से वो पिकलो से बात करता है, पर मोरो भी उसे सुन लेता है। एंड मोरो ने एक प्रोटेक्शन शील्ड को बना दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके गोकू को हील करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो ने पिकलो के बीम को यूज करता है और उसने पिकलो का वही हाल किया जैसा उसने गोकू का किया था, उसके सीने को भी चीर देता है। अचानक से हम देखते हैं कि वो शील्ड ओपन होती है और कोई एंजल वहां पर समन होता है। ये कोई और नहीं बल्कि मीरस था, जिसने वापस से अपने गैलेक्टिक पेट्रोल के फॉर्म को लिया और मोरो से फाइट करता है। जैकब बहुत ज्यादा खुश होता है, पर वो डर भी रहा था कि मीरस क्या ही उखाड़ लेगा मोरो का। अब मीरस मोरो से फाइट करता है, जहां पर वो मोरो को बड़ी टक्कर दे रहा था। जैको को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मीरस इतनी पोटेंशियल को होल्ड करता है। डेंडे सबसे पहले गोकू को हील करता है, उसके बाद बाकी को लोगों को हील करता है। गोकू देखता है कि मीरस मोरो से फाइट कर रहा है, तो उसने मीरस को रोका और खुद ही मोरो से फाइट करने लगता है। अब कोई ये मत पूछ लेना कि गोकू ने आखिरी मीरस को फाइट करने से क्यों रोका। गोकू वापस से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म को लेता है और मोरो से फाइट करता है, जहां पर वो अब मोरो को टैकल नहीं कर पा रहा था। मोरो को मीरस की आइडेंटिटी पर शक था। वो बोलता है कि आई नो कि तुम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो। उसने मीरस की आइडेंटिटी को पता करने के लिए और उसकी पावर्स को चुराने के लिए अर्थ के अंदर से उसे कॉपी करने की कोशिश करता है, पर मीरस ने उसके एक हैंड को अलग कर दिया था। मीरस जाने से पहले मोरो की इस कॉपी पावर टेक्निक को सील करने की कोशिश करता है और उसने लगभग सील भी कर दिया था। हमें क्लियरली देख सकते हैं कि मीरस अब धीरे धीरे वैनिश हो रहा था। वो अपने लास्ट मोमेंट में गोकू और गोकू के साथ बिताए हर एक लम्हे को याद करता है। एट लास्ट मीरस ने उस लास्ट वाले क्रिस्टल को भी सील कर दिया था। अब वो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एंड सच बताओ तो मीरस जाने से पहले गोकू को इतना ही बोलता है कि आई लव दिस गैलेक्सी, गोकू प्लीज इसे हमेशा प्रोटेक्ट करना। गोकू एकदम से शांत हो जाता है। वो खुद से बोलता है कि आज मैंने मीरस से एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन को सीखा है। गोकू जैको से पूछता है कि हे जैको, तुमने आखिर गैलेक्टिक पेट्रोल को क्यों ज्वाइन किया। ये सिचुएशन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए नहीं था, पर जैको बोलता है कि मैं लोगों की हेल्प और गैलेक्सी में शांति लाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई ज्वाइन गैलेक्टिक पेट्रोल एंड ऑल्सो दिस यूनिफॉर्म। जिसपे गोकू बोलता है कि मीरस भी यही सोचता था। मोरो मीरस को खोजने की कोशिश करता है, जिसको रिप्लाई करते हुए गोकू बोलता है कि मीरस हमारे बीच में नहीं है, पर उसकी उम्मीद मुझ में है। एंड सच बताओ तो इतना बोलते ही गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक करता है, और ये गोकू का कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं था बल्कि ये था द परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू के हेयर्स पूरी तरह से बदल चुके थे। अब उसने इस पावर लेवल को हासिल कर लिया था। सच बताओ तो अब गोकू ने महारत हासिल की थी। मोरो के पिछवाड़े से गू निकल जाता है गोकू को देखने के बाद। मोरो गोकू को टच भी नहीं कर पा रहा था। गोकू को बिना कुछ किए उसकी बॉडी अपने आप ही मूव कर रही थी। दैट्स कॉल्ड अ परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू सिर्फ अपने एक ही पंच से मोरो को हिट करता है, एंड सच बताओ तो मोरो हग मुद देता है वहीं पर। अपनी फुल पावर को ही मोरो रिलीज करता है, पर कोई फायदा नहीं होता है। इवन उसका एक हाथ भी कट के गिर जाता है। अब मोरो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने जाता है, पर गोकू ने एक जोरदार घूंसा मारा एंड वहीं वो माटी चाट लेता है। यहाँ पर गोकू एक स्टूपिड जैसा हरकत करता है मोरो पर रहम दिखा के। गोकू सेंजुबीन लाता है और मोरो को देता है ताकि वो हील हो जाए। गोकू मोरो से प्रॉमिस करने के लिए बोलता है। उसने बोला कि अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम वापस से किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, इवन गैलेक्टिक प्रिजन में जाते हो, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब मोरो भी हाँ बोलता है। वो बोलता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारी शर्त मंजूर है। जिसपे गोकू मोरो को सेंजुबीन देता है उसे हील करने के लिए। सेंजुबीन खाते ही मोरो पूरी तरह से हील हो जाता है और वो तुरंत गोकू पर हमला बोल देता है। पर ये क्या हुआ, गोकू की पूरी बॉडी एक आयरन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। मोरो का एक हाथ ही टूट जाता है, जिसपे गोकू मोरो को बोलता है कि तुमने कभी भी खुद को ट्रेन नहीं किया होगा, तुमने सिर्फ दूसरों की पावर्स को चुराया है, जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। एट लास्ट मैं तुम्हें पूछता हूँ, क्या तुम गैलेक्टिक प्रिजन जाओगे। जिसके रिप्लाई मोरो नहीं बोलता है, बल्कि मैं वापस से प्लेनेट को कंज्यूम करना शुरू कर दूंगा। अब जैसे ही गोकू मोरो को मारने वाला था, मोरो ने देखा कि उसका एक कटा हुआ हैंड उसके बाजू में ही था, जिसमें मीरस की पावर्स कॉपी थी, और उसने फटक से उस हैंड को अपने एक हैंड से ज्वाइन कर लिया। अब मोरो एक नए पावर को रीगेन कर चुका था, एक एंजल की पावर को। अब मोरो गोकू को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, पर कहीं न कहीं वो मीरस की इस एबिलिटी को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। मीरस की एबिलिटी की वजह से मोरो अर्थ में इनहेरिट हो जाता है। इसका मतलब कि मोरो अब पूरे अर्थ में फैल चुका था। अर्थ में जाने के बाद मोरो लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। गोकू उससे फाइट करने की भी कोशिश करता है, पर इससे कोई फायदा ही नहीं होता है। अब वहां पर वीस आता है। उसने गोकू को बताया कि तुम्हें मोरो के सर पर बने उस क्रिस्टल को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मीरस की पावर रिलीज हो सके। इतना बोलते ही बीरस और वीस वहां से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट ने उन्हें जो बुलाया था मीरस को लेके। वेजिटा भी गोकू की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर मोरो ने गोकू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था, जिससे वो खुद को मूव भी नहीं कर पा रहा था। गोकू की पूरी
पावर सब जा चुकी थी। पिक्लो वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम अपने स्प्रिट फ्यूजन को रिवर्स कर सकते हो। वेजिटा हाँ बोलता है और उसने सबकी एनर्जी को लेना शुरू कर दिया ताकि उस एनर्जी को गोकू में इनहेरिट कर सके। पर इतनी एनर्जी एनफ नहीं थी गोकू के लिए, वो सिर्फ अपने ब्लू फॉर्म को एक्सेस कर पाता है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। गोकू सबसे माफी मांगता है, वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, अब मेरे अंदर थोड़ी सी भी पावर नहीं बची है एंड ये सब मेरी गलती है जिसकी वजह से आई लॉस्ट दिस बैटल। जब कोई भी होप नहीं होती तब अपने आप ही एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई देती है। सॉरी ये तो एक कहावत है पर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। हम देखते कि वहाँ पर एक एनर्जी बॉल समान होती है जिसे वेजिटा ने तुरंत गोकू के अंदर इनहेरिट कर देता है। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, विद हेल्प ऑफ दिस एनर्जी उसने खुद के औरे को एक जायंट गोकू में बदल दिया था और मोरे के उस क्रिस्टल को गोकू ने ब्रेक कर दिया था। एक बात बता दूं, इस एनर्जी को किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम किंग काई ने गोकू के लिए भेजी थी और सिर्फ सुप्रीम किंग काई की ही नहीं बल्कि ऊब की भी एनर्जी इसमें थी। तो गाइस इसी तरह से गोकू ने मोरो को खत्म कर दिया, सभी की अब हैप्पी एंडिंग होती है। अवार्ड देने के लिए गोकू वेजिटा और माजिन बू को गैलेक्टिक पेट्रोल में इनविटेशन दिया जाता है। वहां पर गोकू की मुलाकात मीरस से होती है एंड सच बताऊं तो मीरस को देखने के बाद गोकू बहुत ज्यादा खुश होता है। लेट मी क्लियर दिस पॉइंट कि आखिर मीरस जिंदा कैसे हुआ। ग्रैंड प्रिंस ने जब मीरस को बुलाया था तब उन्होंने उनकी कह के खबर ली थी। यूनिवर्स 7 के किंग काई काईशिन ने ग्रैंड प्रिंस से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी लाइफ के बदले मीरस को उसकी लाइफ वापस मिल जाए, पर यहाँ पर एक कंडीशन थी कि इस बार मीरस एक एंजल नहीं बल्कि एक मॉर्टल बीइंग बनके अपनी लाइफ को कमबैक करेगा, हालांकि अब उसके पास एंजल की कोई पावर नहीं रही। तो दोस्तों इसी तरह से मीरस अपनी लाइफ के लिए कमबैक करता है एज अ मॉर्टल बीइंग। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन मैं बोलता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।